भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर साल भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने को समारोह पूर्वक मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव अभियान का आगाज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां साबरमती आश्रम से दमोह सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की अगुवाई में निकाले जा रहे दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, वहीं दमोह में भी इस अवसर पर एक विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। जिले के बालाकोट ग्राम के राम स्वरूप सिंह समाधि स्थल से गांधी चौक दमोह तक यह रैली निकाली गई, जिसमें मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह भी शामिल हुए। यह रैली ग्राम बालाकोट से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गांधी चौक, जहां शहीदों की याद में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में मौजूद लोगों ने शहीदों की याद में दीपक जलाए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर तरुण राठी, जिला भाजपा अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अपनी शहादत देकर, अपने प्राण की बलि देकर इस देश को आजाद कराया। हम याद कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, जिन्होंने विभिन्न आयामों। आज का ऐतिहासिक दिन है कि हम आजादी के अमृत महोत्सव के लिए आने के 75 सप्ताह पूर्व से केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत यह कार्यक्रम कर रहे हैं। यह किसी पार्टी का नहीं बल्कि उन शहीदों के स्मरण करने का अवसर है, जिन्होंने हंसते हंसते अपने देश के लिए प्राण निछावर कर। जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। शहीदों की मजारों पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इस देश की आजादी के लिए, इस देश के अस्मिता के लिए, इस देश की मनीषा के लिए जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, प्राण उत्सर्ग किया और जिन्होंने जिंदा रहकर भी इस देश को अपनी जवानी लुटा दी, अपना सर्वस्व लुटा दिया, उन शहीदों को, उन बलिदानियों को, उन सेनानियों को नमन करने के लिए मित्रों आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा दमोह जिला वीर पुरुषता भूमि है और जिस जगह से हम खड़े हैं ये गांधी चौक की भूमि ऐतिहासिक भूमि है, जहां हमारे सेनानियों के खून से, रक्त से लाल हुई हुई है। इस माटी को शहीदों के बलिदानियों के रक्त ने चुमा है। आप सबको विदित है कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे आने वाले वर्ष में हम लोग अपने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है और उन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ हो रही है और आज उसी का जो शुभारंभ है वो यहाँ पर हो रहा है। और ये बड़ा गौरव का विषय है कि आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं वहाँ पर महात्मा गांधी जी का भी पदार्पण हुआ है और इस स्थान के चयन का एक बड़ा आधार है कि हम दमोह के हृदय स्थल में और इस स्थान पर हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे जिले के अन्य स्थानों पर भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं। जेरठ में दलपत शाह जी की समाधि पर और अभी बालाकोट और हिंडोरिया, इन सब जगहों पर इसी समय पर कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण वहाँ पर उपस्थित हैं और आज का जो दिन है वो यही है कि हम एक तो सबसे पहले अपने जो शहीद हैं जिन्होंने इस लोकतंत्र और इस स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और हम सब जानते हैं, यद्यपि हम युवा पीढ़ी के हैं तो हम लोग उस संघर्ष के साक्षी नहीं बने, प्रत्यक्ष साक्षी नहीं रहे, लेकिन इतना अध्ययन करके हम लोगों ने निश्चित रूप से ये हम जानते हैं कि जो स्वतंत्रता और लोकतंत्र हमको मिला है वो निश्चित रूप से बहुत बड़े संघर्ष के बाद में मिला है और उसको अक्षुण रखने की जिम्मेदारी हमारी ही है। 7 वर्षों से जब से वो दमोह के सांसद चुने गए हैं, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ इस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, इससे निरंतर हम अपने दमों के इतिहास को नए तौर पर देखते हैं
और अभी दुबे जी ने भी जो बात कही, निश्चित तौर पर दुबे जी को भी मैं बहुत समय से पढ़ते रहा हूँ और हमेशा उनके भाषण सुनता हूँ, और आपके द्वारा जो तरह तरह की जानकारी दी जाती है, निश्चित तौर पर अध्यक्ष जी ने जैसी बात कही कि हम लोगों को वास्तविकता में बहुत सी चीज़ों की जानकारी नहीं थी, विद्यासागर पांडे जी ने भी जो बात कही, तो आप सभी के मार्गदर्शन हम लोगों को मिलते रहे और इस प्रकार के आयोजन निरंतर चलते रहे तो मुझे लगता है कि हम हमेशा गौरवान्वित होते रहेंगे कि हमारा इतिहास कैसा रहा। और दमों की भूमि वैसे ही तपोभूमि है, यहाँ पर वीर योद्धा रहे, जैसा अभी राष्ट्रपति जी भी आए थे, तो निश्चित तौर पर हम सभी का प्रयास रहेगा इस कार्यक्रमों में हम लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे और जितना हम इतिहास पढ़ सके कर सके वो हमारे लिए अच्छा होगा। धन्यवाद। जय नमस्ते। मध्य प्रदेश बिहार हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष आदरणीय राहुल सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय विद्यासागर पांडे जी, बहुत ही संक्षिप्त में और विस्तृत जानकारी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने तपो के बारे में दी है। मित्रों, में केवल इतना ही आग्रह करूंगा कि जो इस देश के लिए शहीद हो गए, जिन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए, अब उन्हें हम अपनी यादों में जिंदा बनाए रखें और इस तरीके के जो कार्यक्रम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और हमारे आदरणीय सांसद प्रहलाद पटेल जी के द्वारा जो इस दमोह में वीर भूमि और ऐसे शहीदों की भूमि की जो खोज की है, निश्चित ही हम सबके लिए एक प्रेरणा का काम आदरणीय सांसद जी के द्वारा किया गया है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हम जैसे युवाओं को ये नहीं मालूम था कि जेरठ में भी फांसी हुई है, हम जैसे युवाओं को ये नहीं मालूम था कि नरसिंहगढ़ में भी लोगों को आम के पेड़ से टांग दिया गया है, तो हम जैसे युवाओं को जब ये इन बातों का पता चला तो निश्चित ही आदरणीय सांसद जी धन्यवाद के पात्र हैं और हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को ये विरासत सौंप कर जाना है। तो निश्चित ही ये जो कार्यक्रम आज जैसे हम लोग बालाकोट से लेकर और यहाँ तक 20 किलोमीटर की मोटरसाइकिल यात्रा लेकर आए, तो इसमें ऐसे बहुत सारे युवा हैं कि उनको अभी ये मालूम नहीं था कि हम बालाकोट क्यों गए। खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया, MBBS DNB असिस्टेंट प्रोफेसर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश, उपचार सुविधाएं सभी प्रकार के ऑपरेशन, हड्डी एवं जोड़ के फ्रैक्चर आधुनिक पद्धति से उपचार, गठियावाद, अर्थराइटिस, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, घुटना, कमर दर्द, हाथ पैर जकड़न एवं जन्मजात पैरों के टेढ़ेपन के उपचार के लिए हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, जानकी मेडिकल यूनियन बैंक के बाजू में राय चौराहा दमोह में उपलब्ध रहेंगे।